जो ज्यादातर बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरफ ही जाते हैं, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे अच्छी चीज बस ये है कि अगर आपको आगे आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ ही कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन मिलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों को भी नहीं मिलता, कॉमर्स वालों को भी नहीं मिलता, ह्यूमैनिटीज वालों को भी नहीं मिलता। ह्यूमैनिटीज के साथ में एक कॉम्बिनेशन चल रहा है पिछले 2-3 साल से, ह्यूमैनिटीज के साथ में आप मैथ्स ऑप्ट कर सकते हो जो पहले नहीं था, अब आप ह्यूमैनिटीज के साथ में मैथ्स ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा, जैसे अर्पिता और निकुंज, तुम दोनों को बताता हूँ कि अगर तुमने फाइनल कर लिया है कि कॉमर्स लेना ही है तो एक चीज और देख लेना, कॉमर्स के साथ में दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है कॉमर्स विद मैथ्स और एक होता है विदाउट मैथ्स। तो अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है तो मैथ्स में भी दो ऑप्शन है, ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, एक मैथमेटिक्स का और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अप्लाइड मैथ्स लेना, मैथ्स मत लेना, क्योंकि जो मैथ्स है, जो मैथ्स दो सब्जेक्ट्स है, देखिए एक तो मैथ्स है और एक है अप्लाइड मैथ्स। तो जो मैथ्स है वो तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है और जो अप्लाइड मैथ्स है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं अप्लाइड मैथ्स में। तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये सजेस्टेबल है कि आप अप्लाइड मैथ्स लें, मैथ्स ना लें, समझ गए? ओके सर। हाँ, दूसरा मैं बताता हूँ कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो उसमें उसमें मन में जरा सा भी, कोई भी बच्चा जरा सा भी मन में कंफ्यूजन ना रखे कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, ये कंफ्यूजन मन में मत रखो। अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना ही है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना ही है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आप करोगे, पूरी मेहनत के साथ करोगे तो फिर अच्छा ही परफॉर्म करोगे। तो इस वजह से मन में जहां भी ये ऑप्शन रहेगा ना कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो जहां ऑप्शन रहेगा वहां पर आप कोई भी एक काम नहीं कर सकते। तो किसी एक तरफ का मन बना लीजिए कि ये मुझे करना है तो यही करना है। जैसे अभी निकुंज और अर्पिता दोनों ने फाइनल कर रखा है कि मुझे लेना ही, हमें लेना ही कॉमर्स है, तो अगर फाइनल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कॉमर्स लेना है तो फिर कॉमर्स में ही पूरी जी जान लगा दी, ठीक है ना। अब उन बच्चों पर आते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहीं मुझे टफ तो नहीं पड़ेगी, या ऐसा तो नहीं है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लूँ तो मैं उसको चला ना पाऊँ, कॉमर्स शायद ज्यादा आसान हो। तो ये आपको बताता हूँ कि जितना भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में जितना भी आप लोग करेंगे, अब देखिए एक चीज बताता हूँ, जैसे ये है कि हम लोग अभी तक 10th में साइंस करते आ रहे थे, तो आप लोगों के मन में ये बात हो सकती है कि जो साइंस हम अब तक करते आ रहे थे तो साइंस तो भाई 5 चैप्टर फिजिक्स में थे, 5 केमिस्ट्री में थे, 5 बायो में थे, तो ये आपके टोटल 15 चैप्टर थे। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो अब अगर आप फिजिक्स लेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के ही देखें तो फिजिक्स के ही अकेले 14 चैप्टर है, वहां कितने होते थे, सिर्फ 5 चैप्टर, अब 14 चैप्टर्स फिजिक्स फिजिक्स के ही। उसी तरीके से मैथ्स में आपके टोटल 16 चैप्टर थे और मैथ्स के इस बार देखेंगे तो 33 चैप्टर्स हैं मैथ्स में। फिर आप बात करेंगे केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में भी वही 15-16 चैप्टर, वहां पहले 5 चैप्टर थे। तो सिलेबस जो है वो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। जो दिमाग में ये आता है कि अरे वाह, सोशल स्टडी से पीछा हमारा छूट गया, हिंदी से पीछा छूट गया, तो वो जो सारी चीजों से पीछा छूटा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जितना भी उसका सिलेबस हटा है ना, उतना ही लोड आपके ऊपर फिजिक्स और केमिस्ट्री में और मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बस इतना जरूर है कि जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आपने पढ़ना शुरू करा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और डेवलप, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ तो आपको उसमें मजा आएगा, आपको जरा सा भी बोरियत नहीं लगेगी उसमें। और डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी ऐसा नहीं है कि टोटली आपको उसमें रट्टा ही लगाना है, तो वो चीजें नहीं है। तो इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें मेहनत है और मेहनत के साथ साथ ऐसा नहीं है कि टोटली आपको रट्टा लगाना है। अब मैं ये कहूँ कि कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी सिलेबस इतना ही ज्यादा है, कॉमर्स में भी सिलेबस उतना ही ज्यादा है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कॉमर्स में सिलेबस कम मिले या कॉमर्स पढ़ने में आपको आसान लगे। ये तो हो सकता है कि किसी बच्चे को कॉमर्स थोड़ा बहुत आसान लग रहा है साइंस के कंपैरिजन में, ये वही बच्चा होगा जिसको साइंस में मतलब समझने का मन ही ना करता हो, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि इसका किसी 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 बच्चे के मन में ये भी बात है जो मेरे से पूछा भी था कि साइंस तो मेरी बहुत अच्छी नहीं थी 10th तक, अब मैं 11th में उसको चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो,
ये सारी ही चीजें, 11th जो होता है वो किसी भी बच्चे के करियर का टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आते ही 11th क्लास में आते ही सारी ही चीजें आपको नए सिरे से करनी होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज होगी। टीचर भी आपके देख लीजिएगा कि टीचर भी आपको दो कैटेगरी के मिलेंगे। एवरेज टीचर होता है एक, तो क्या चलो ठीक ठीक है, लेकिन दो कैटेगरी के यहाँ पर आपको आपको टीचर मिलेंगे, या तो बिल्कुल बकवास या बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया और बहुत बेकार, दो तरीके के मिलेंगे। अब वो बहुत बढ़िया और बहुत बेकार का डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आप फील भी करोगे आगे आने वाले टाइम में, जो आप फील भी करेंगे। एक टीचर ऐसा है जिसने कराना शुरू करा आपको, और कराते कराते आपको ये बोला कि बेटा ये चीज आपने 10th में कर रखी है, ये चीज आपने 9th में कर रखी है, ये चीज आप 8th क्लास में करते आ रहे हैं, ये वाली चीज तो कॉमन सेंस की बात है, तो ये मैं समझाना जरूरी नहीं समझता, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आप वहां पर इस मतलब अगर इस तरीके का आपको कोई भी टीचर होता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, वहां पर आपको साइंस क्या कॉमर्स भी बेकार लगने लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट आपको बेकार लगने लगेगा। तो बस इतना है कि कोई भी टीचर है तो अच्छा या बुरा इस चीज से है कि अगर वो बेसिक से लेकर चीजों को चलता है, और वो ये मानकर चलता है कि आपको इनिशियली कुछ भी नहीं आता, और वो वहां से ABCD से लेकर चलता है, और फिर आपको फाइनली अल्फाबेट्स से सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो बनाना बताता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर, ठीक है, टीचर पर भी डिपेंड करेगा। और साथ में बस ये जरूर है कि हाँ, जैसे अभी आप देख रहे थे कि 10th में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमने मान लो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने पढ़ाई नहीं करी, फिर हमको लगा कि चलो जी अब हम 4th महीने से पढ़ना शुरू करते हैं, वो काम 11th में नहीं होगा, और खास तौर पर PCM में नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाता नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास मैथ्स पढ़ते हैं और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये बताते हैं कि अकाउंटेंसी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें भयंकर रेगुलरिटी चाहिए। अगर आप रेगुलर हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना 11th क्लास में ना 12th में। लेकिन जहां आपने रेगुलरिटी मिस करी, सारा सिलेबस हाथ से निकल जाएगा। वही चीज मैं आपको PCM के लिए बताता हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी, केमिस्ट्री की मुझे जानकारी नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स के बारे में मैं जानता हूँ। आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आपने जरा सा भी आपका फ्लो छूटा तो प्रॉब्लम होगी, फिर आपको सारा सिलेबस कैचअप करने में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, ये सब चीज मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हर साल जरूरत नहीं पड़ती थी मेरे को, बच्चा अपने आप समझदार हो जाता था, उसे पता चल जाता था। क्यों? पहले बोर्ड के एग्जाम होते थे, बोर्ड के एग्जाम होने के बाद में फिर बच्चों को लगभग लगभग 15 दिन, 20 दिन, या कई कई बार एक एक महीने की भी छुट्टी मिलती थी। उस 1 महीने में बच्चा खुद से भी रिसर्च कर लेता था, इंटरनेट पर भी ढूंढता था काफी सारी चीजें, कुछ अपने पुराने सीनियर स्टूडेंट से बात करता था, कुछ एकेडमिक काउंसलर से मिलता था। तो वो सारी चीजों से वो मिलकर अलग 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 जगह से डेटा इकट्ठा करके बच्चों के दिमाग में एक एक चीज क्लियर हो जाती थी कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 11th क्लास में मेहनत की जरूरत है। अब 10th में देखिए जो होना था वो हो गया, और उसके विक्टिम अकेले आप नहीं हो, क्योंकि वो जो हुआ है वो सभी बच्चों के साथ में हुआ। तो आप ये जान सकते हैं कि अब जो ये 11th क्लास है आपकी, एक तरह से आप 10th को तो आप भूल जाइए, और जो हुआ है ये अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि आपका टाइम बचा है इसमें, क्योंकि तो आपके पेपर होते वो जून तक खत्म होते, जुलाई तक रिजल्ट आता, अगस्त तक पढ़ाई शुरू होती, सब कुछ टाइम निकल चुका होता, और फिर अगले साल वापस अगर मार्च या अप्रैल में एग्जाम होते तो फिर आपको दिक्कत होती, ठीक है ना। तो ये आप सब लोगों का टाइम बचाने के लिए और हेल्थ को बचाने के लिए, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है उस टाइम, तो इस वजह से ये काम करा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इस चीज को लेकर आप सब बच्चों को चक्कर आ सकते हैं कि अरे मैथ्स की इतनी मोटी बुक, अरे भाई केमिस्ट्री की इतनी मोटी बुक, अरे फिजिक्स की तो 2 वॉल्यूम्स है, मैं कैसे करूंगा। तो ये दिमाग एक बार आपको चकरा सकता है आपका सर, कि ये इतना सारा मैं कैसे करूंगा, लेकिन करना ही है, सिर्फ अकेले आप नहीं है, सभी को करना है, सभी को करना है। इनफैक्ट आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि मैथ्स में और साइंस में ये जो दोनों सब्जेक्ट्स है, इन दोनों सब्जेक्ट्स की फीस तो 9th में 10th में हमारी जो ट्यूशन फीस है, मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी कम थी, लेकिन 11th में अचानक से फीस इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो फीस ज्यादा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें सिलेबस आपका 3 गुना है। तो आपका 3 गुना सिलेबस है, आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर आप सोचो कि आप एक ही दिन में स्कूल भी कर रहे हैं और स्कूल के साथ साथ ये तीनों ट्यूशन भी मैनेज कर रहे हैं, तो आप स्कूल और ट्यूशन के चक्कर में ऐसे फंसोगे कि
ये सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो मेरी यही आपको सजेशन है कि आप इसमें स्मार्टली डिसीजन लें। पहले आप ये देखें, अच्छा जिन बच्चों को मन में ये लगता है कि मैं ये चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा साइंस, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है जो पहले नहीं मिलता था किसी भी बच्चे को। पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था कि आप मैथ्स भी कर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको मिलता ही नहीं था अगर आपके बोर्ड में नंबर कम है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हैं, तो मेरा ये सजेशन है एटलीस्ट 1 से 2 महीने ट्राई जरूर करो। और ट्राई करना ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया के बाद में अपना बुक्स को उठाकर रख दिया और फिर कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई होमवर्क नहीं करना। वो अगर करोगे तो फिर बेकार है आपके लिए, आप वो भी 2 महीने वेस्ट कर रहे हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2 महीने खुद को दो, मेहनत करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मेहनत करो और देखिएगा अगर उन 2 महीने में आपने मेहनत करी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो आप ये देखेंगे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ मेहनत नहीं करनी है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, फिर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि फिर पता चले आपने 2 महीने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले भी लिया, उसमें आपने टाइम वेस्ट करा, पढ़ाई करी नहीं, और फिर आप अल्टीमेटली कह रहे हो अपने पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ा टफ लग रहा है। समझने की कोशिश करी या नहीं करी, ये इंपॉर्टेंट है। तो समझने की कोशिश करनी है पहले, तो पहले 1-2 महीने जो बच्चे कंफ्यूजन में हैं, जो क्लियर है जिनके माइंड में कि मुझे यही करना है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कंफ्यूजन में है उनके लिए कह रहा हूँ कि अपने आप को लगभग लगभग 2 महीने दो और सीरियसली मेहनत करो। सोचो कि मेरे अभी बोर्ड एग्जाम खत्म ही नहीं हुए, अगर बोर्ड एग्जाम चल रहे होते तो भी तो इस टाइम आप बहुत बुरी तरह से मेहनत कर रहे होते। तो अभी जो आपके पास ये 10 दिन बचे हैं और अगला 1 महीना है, वो आप अपने आप को टाइम दो, और ये 40-45 दिन का आप टाइम लेकर, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप मेहनत करिए। अगर चल सकती है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलती है तो फिर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, जो भी आपको आसान लगे, फिर आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो सजेशन मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ उन बच्चों को दे रहा हूँ जो अभी कंफ्यूजन में है, जो अभी डाउट में है कि मुझे लेना क्या है। मेरी बात सभी को क्लियर है? ठीक यस सर, है, और अगर आपको यस कुछ सर, पूछना हो, पार्थ, अनुभव, अर्जुन, अर्पिता, आस्था, भव्या, लक्ष्य, निकुंज, दिवस, हाँ सर, मुझे पूछना था हाँ जी बताइए। सर, जैसे सर अभी क्या था, हम लोग अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे तो काफी चीजें क्लियर थी और काफी चीजें नहीं क्लियर थी। तो सर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जो अभी भी क्लियर नहीं है, मतलब अगर हम अभी भी दें पेपर वो अभी क्लियर नहीं है, सो क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा 11th पे अपनी? कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज अभी ना दो टीचर्स के एग्जाम्पल दिए थे, मैंने आपको ये टीचर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आपको एलसीएम निकालना नहीं आता और आप अब इतने बड़े हो गए हैं, अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं सभी बच्चे, तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको लगेगा अरे यार एलसीएम किसको नहीं आता, एलसीएम तो सबको आता है। ये टीचर बच्चों के दिमाग में आया तो ठीक, ये बात बच्चों के दिमाग में आया तो ठीक है, ये टीचर के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर क्लास में एक भी बच्चा ये बोलता है कि मुझे एलसीएम नहीं आ रहा है और एलसीएम निकाल के ही मैं उस क्वेश्चन में आगे बढ़ पाऊंगा, तो इन कंपैरिजन टू दिस कि वो टीचर 10 मिनट आपको लेक्चर दे दे और डांट दे और सुना दे आपको अच्छे तरीके से कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम तो नालायक हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, इट्स बेटर कि अगर वो 2 मिनट में आपको एलसीएम बता दे और फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करे। तो वो टीचर पर डिपेंड करता है और आप लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको स्कूल में बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, आपको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, मैं आपने ये नहीं कह रहा, और हो सकता है आपको ट्यूशन टीचर मुझसे भी अच्छा मिले, क्योंकि हर तरीके के टीचर हैं, मैं एक एवरेज टीचर हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा। और तीसरा बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास ये भी मौजूद है कि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप सीधे सीधे अगर एक सेंटेंस भी लिखकर डालेंगे कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसके आपको 1,000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो वो आप वहां पर देख सकते हो। तो मेरा जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि 10th की अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है तो मन में घबराहट लाने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें मुझे नहीं आती हैं, 11th में शायद इनका एप्लीकेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11th में सब कुछ आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपने वहां पर आकर अपनी एक लाइन चुन ली, तो अब जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए, अगर आप फिजिक्स की भी बुक देखेंगे ना, तो फिजिक्स में पहला चैप्टर यही है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, मतलब वो सबसे पहले आपको ये समझाना चाहेंगे कि फिजिक्स क्या है, इसका मतलब ही आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग होगी, समझ रहे हो। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है,
और अगर मान लीजिए कोई 4 या 5% ऐसे टॉपिक्स हुए जिसमें अगर आपसे टीचर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको आता हुआ होना चाहिए, तो वो कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल जी की वैल्यू सभी को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर नहीं पता, हम बिल्कुल हमको ये भी नहीं पता, तो क्या प्रॉब्लम है? आप टीचर से बोलोगे सर सॉरी टू से पर मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पता है, मेरा बेस बिल्कुल कमजोर है, मुझे नहीं पता, तो प्लीज ये चीज बता दो। इफ ही और शी इज अ गुड टीचर वो 5 मिनट निकाल के आपको बताएगा, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा ये चीज है ही नहीं बताने में। अगर फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो ये बताने में अगर टीचर को जोर पड़ रहा है तो वो टीचर बेकार, समझ रहे हैं? और इतना आप सब लोग इतने पॉलिश्ड हो चुके होते हैं 11th क्लास में आके, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अलग 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 जब अलग अलग जगह डेमो क्लासेस भी लेते हैं और देखते भी हैं कि यहाँ पर मैं ये चीज सीखने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मैं ये चीज सीखने की कोशिश करूँ, तो वो चीज आप कर सकते हैं। दूसरा और भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप में से अगर कुछ बच्चों में अगर ये आदत है सेल्फ स्टडी वाली, तो अगर आपके स्कूल अभी शुरू नहीं हुए हैं तो आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन सेल्फ स्टडी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर 10-15 दिन में आपको ये क्लियर हो जाता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके खुद से नहीं कर सकता, तो फिर आप कहीं पर भी ट्यूशन लगाने में टाइम मत लगाओ, फिर टाइम वेस्ट मत करो, समझ रहे हो? तो कोई भी 9th की 10th की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 11th में आ जाए और आप लोगों का मतलब दिमाग खराब करे कि ये चीज आपको नहीं आती तो आगे आप कुछ कर ही नहीं पाओ, समझ रहे हो? समझ रहे हैं? सभी को क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। ठीक है, यस सर। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में कोई चीज आपको क्लियर हो रही है या किसी और जगह आप ट्यूशन लगा रहे हैं वहां पर पढ़ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप वहां पर सेटिस्फाई नहीं है और किसी भी टॉपिक में कोई माइन्यूट सा या कोई बड़ा भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो फिजिक्स और मैथ्स में बेझिझक पूछ लेना मुझसे, बेझिझक पूछ लेना, उसके मैं किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ और उसके लिए किसी भी बच्चे को हेजिटेट करने की जरूरत नहीं। सिंपली व्हाट्सएप पर आप लिख कर डाल दीजिए, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिटजी VMC ज्वाइन कर लेते हैं, आकाश ज्वाइन कर लेते हैं, तो ठीक है वो कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर लो। कई चीजें ऐसी हैं कि वहां पर भी क्लियर नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर बेस्ट टीचर्स हैं, टॉप क्लास टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो वो ये मानकर चलते हैं कि ये जो बेसिक वाली चीज है ये तो बच्चे को आती होगी। अब आप झिझक में वहां पर वो चीज पूछ नहीं पा रहे हैं, तो वो झिझक मेरे सामने मत रखना, मेरे से पूछ लेना, मैं आपके वो वाले गैप्स जो है वो मैं फुलफिल कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी किसी भी तरीके की, आज भी मेरे को क्लास इस वजह से लेनी पड़ी क्योंकि कल भी और परसों भी मेरे पास इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं कि सर मुझे तो स्ट्रीम का नहीं समझ में आ रहा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, इससे तो हमारे बोर्ड के एग्जाम हो जाते तो ज्यादा अच्छा था, मेरा तो स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया, अब मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा, हमारे साथ क्या होगा, 10th की हमारी कितनी परसेंटेज होगी, तो उस चीज को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब परसेंटेज ये जो 10th की है, 10th की परसेंटेज कोई पूछेगा ही नहीं 2021 वालों से, आप लोगों से, ठीक है ना? ये मान लिया गया है कि पेंडेमिक की वजह से आप सभी बच्चे प्रमोट हो गए, ठीक है, तो उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए और आगे जो आपने स्ट्रीम डिसाइड करी है वो स्ट्रीम लेकर और मेहनत करना शुरू करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, आस्था, अगर ये है ना कि 12th के बाद का अभी क्लियर नहीं है, वो आपको ये जो 2 साल है, वो जो ये 2 साल है, इस 2 साल में जब आप मेहनत करोगे, आप बच्चों से बातचीत करोगे, आप टीचर्स के कांटेक्ट में आओगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बहुत सारी नई नई जो फील्ड्स हैं वो आपके लिए खुल जाएंगी, ठीक है ना? तो 12th के बाद का भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। इतना जरूर है कि जो पागलों की तरह बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पीछे भागते हैं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वालों के पास सबसे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, मिलिट्री में जाने का भी ऑप्शन होता है उनके पास, सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा PCM वाले ही अप्लाई करते हैं, और इंजीनियरिंग में जाने का ऑप्शन होता है, BSc करने का ऑप्शन होता है, फॉरन से ग्रेजुएशन करने का बहुत अच्छा, मतलब उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तो इस वजह से ये जो 2 साल है, इन 2 सालों में आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि मुझे 12th के बाद करना क्या, समझ रहे हैं? तो वो चीज आपको 2 सालों में क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमको ये देखना है कि अभी अभी हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़े कैसे, हमें अब आगे फर्दर प्रोसीड करना क्या है, ठीक है? तो उस चीज के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपने ऑप्ट कर रखा है, फाइनल कर रखा है, तो उसमें आप मेहनत करनी शुरू करो, धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और कई तो मैं ही आपको बताता रहूंगा ऑप्शंस, कई चीजें तो मैं भी बताता रहूंगा, तो
कई प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ में, एकेडमिक काउंसलर्स के साथ में मेरी भी बातचीत होती है, तो मैं भी आपको बताता रहूंगा कि क्या चीज आजकल ज्यादा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देता हूँ कि एक पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चलता है बीए इन इकोनोमेट्रिक्स। ये आपने सुना नहीं होगा, इकोनॉमिक्स तो सुना है लेकिन इकोनोमेट्रिक्स नहीं सुना। इकोनोमेट्रिक्स में अप्लाई ही वो बच्चा कर सकता है जिसके पास ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स हो और मैथ्स हो, गूगल करके देख सकते हो आप लोग। तो ये जो चीज है ये अब से दो साल पहले नहीं थी, ये चीज अभी आई है, तो इन दो सालों में भी कुछ नई चीजें आएंगी, तो वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। बहुत बढ़िया चीज पूछी है। जैसे दिवस तुम पूछ रहे हो ना कि आपने अगर पीसीएम ले रखा है तो पीसीएम मतलब 11 12th में अगर पीसीएम है तो क्या आगे भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली ही स्ट्रीम लेनी जरूरी है? वो जरूरी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो आगे जाकर लॉ भी करते हैं, वो आगे जाकर बीए भी करते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यही रीजन है कि पीसीएम वालों के लिए ये मतलब ऑप्शंस बहुत ज्यादा आगे खुल जाते हैं। सही है, समझ गए? हाँ, और आस्था आईआईटी की प्रिपरेशन कई बच्चे हैं जो 11th के साथ में करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना गाइड कर पाऊंगा कि आईआईटी की जो प्रिपरेशन आप 11th और 12th के साथ करते हैं उसमें सिर्फ इतना है कि एक तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर चलना पड़ता है कि भाई आपको दिन के 4 घंटे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए निकालने हैं, जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ऑब्जेक्टिव, और बाकी का जो टाइम है वो बाकी का टाइम आपको 11th की पढ़ाई के लिए निकालना है, ठीक है? तो अगर उस तरीके से कुछ बच्चे कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन और 11th के बीच में, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं कुछ बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो वो आप कुछ दिन करके देखो। अगर आप कोऑर्डिनेशन बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हो तो इट इज हाईली सजेस्टेबल कि आईआईटी की प्रिपरेशन को एक तरफ रखकर पहले 11th 12th कर लिया जाए, फिर आईआईटी आप कर सकते हैं। मतलब कई बच्चे करते हैं ऐसे, और ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स हैं जो 11th 12th करने के बाद एक साल का ड्रॉप लेते हैं, एक साल का ड्रॉप लेकर फिर हार्डकोर तैयारी आईआईटी की ही करते हैं, और फिर उनका कोई ना कोई अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन का हो जाता है, समझ रहे हैं? और सर बट उसके लिए तो फिर क्लियर होना चाहिए ना। हाँ? मेरा तो भी क्लियर नहीं है कि मुझे आईआईटी करना है या नहीं। हाँ, अभी अगर क्लियर नहीं है तो फिर सबसे अच्छा यही है कि अगर अभी क्लियर नहीं है तो अभी सिर्फ 11th पर फोकस करो, अभी सिर्फ 11th पर फोकस करिए। हाँ, अगर एक साल के बाद भी क्लियर हो जाता है तो 12th में भी बहुत सारे क्रैश कोर्सेज होते हैं कि 12th में भी बच्चा ज्वाइन कर लेता है, ये पेस है और विद्या मंदिर क्लासेस हैं, कंसल क्लासेस हैं, तो फिट जी है, तो ये बहुत सारे मतलब ब्रांडेड कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर ये 12th में भी बच्चों को लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो आपको पता होगा 9th से भी बच्चों का एडमिशन हो जाता है, 9th से लेकर वो 12th तक प्रिपरेशन करते हैं और फिर 12th में एग्जाम देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो जेईई का जैसे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी का, अभी तो यही डिले होता जा रहा है, जो इस साल का है वही डिले हो रहा है, तो कब तो वो एग्जाम होगा, कब आईआईटी में एडमिशन्स होंगे, तो वो तो सेशन उन लोगों का भी मतलब धीरे 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 करके लेट होता जा रहा है, तो इसकी एडवांटेज आप लोग उठाइए, और आप लोगों को क्योंकि टाइम मिल गया है, क्योंकि बिल्कुल भी सीबीएसई ने टाइम नहीं लगाया, 14 तारीख को साफ साफ बता दिया कि एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल हो गए हैं, कोई पोस्टपोन नहीं 10th का कुछ नहीं, तो कैंसिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं इस बात को, अब 10th का हटाकर पूरी तरीके से एक साइड रख दीजिए सारी बुक्स, 10th की बुक्स देना मत अभी किसी को, क्योंकि काम आ सकती है अभी आपको भी कुछ थोड़ा बहुत उसमें से हो सकता है, फॉर्मूलों की किसी चीज की जरूरत पड़े तो अभी उनको रखो संभाल कर, और जो 11th है 11th स्टार्ट करिए, मेहनत करनी शुरू करो सभी बच्चे, ठीक है ना? बीच में कभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिएगा बेझिझक होकर। जिन बच्चों को जरा सा भी मन में ये डाउट है कि भाई मैं कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, तो अभी अभी के लिए मैं बताता हूँ कि अभी आप साइंस लीजिए, साइंस लेने के बाद में अगर आपको लगता है 1-2-3 महीने मेहनत करना, लेकिन वो 1-2-3 महीने वेस्ट नहीं करना, वो 2-3 महीने मेहनत करने के बाद अगर आपको लगता है आप नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आप कॉमर्स ले लीजिए या ह्यूमैनिटीज ले लीजिए, लेकिन ये चीज दिमाग में रखना कि कॉमर्स में भी साइंस जितनी मेहनत है, कॉमर्स ये नहीं है कि हमने कोई आसान बहुत आसान चीज है, इतना है कि इन कंपेरिजन टू साइंस थोड़ा सा आसान पड़ता है बस, और कुछ नहीं है,
मेहनत उसमें भी है, बच्चों की आंखों पर चश्मे भी पड़ चढ़ जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट और अकाउंट स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पड़ते हैं उनको बैठकर, तो बहुत मेहनत की जरूरत होती है, और जरा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, इधर का उधर हुआ कुछ भी, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत, जीरो मार्क्स मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अकाउंट्स जो है, कॉमर्स जो है, कॉमर्स भी इक्वली टफ है। तो फिलहाल के लिए आप पीसीएम ऑप्ट करें, जिन बच्चों के मन में कंफ्यूजन है वो फिलहाल के लिए पीसीएम ऑप्ट करें, दिक्कत होती है तो आगे आपके पास और ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए तो ठीक है, कभी भी किसी भी बच्चे को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज पूछनी हो, तो बेझिझक होकर आप मेरे को फोन करिए। बाय चांस मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ तो कॉल बैक मैं 100% करूंगा, और अगर कॉल बैक भी नहीं आता है मेरा, फॉर एग्जाम्पल बाय चांस मैं भूल जाऊँ, तो मेरे को व्हाट्सएप पर आप मैसेज डालिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो कोई भी चीज हो तो बेझिझक होकर पूछिए। ठीक है, चलिए जी, फिर बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू सर। चलिए ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।